मुझे लगता है कि समाज को जागरूक होने की जरूरत है और आप लोग वो चेहरे हैं जो जागरूकता फैलाएंगे। लेकिन एक प्रश्न है, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। वाजपेयी जी, ये प्रश्न मेरा आपसे, अजय गौतम साहब जो कह रहे थे इसी पे मेरा एक प्रश्न आपके लिए आ गया। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मोटिवेटर कहा था, वो जो दूसरों को पॉजिटिव वर्क के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मोटिवेटर कहाँ गायब हो जाए? छोड़िए, मैं बाबा मानता ही नहीं, मोटिवेटर ही आपके शब्दों में, क्या उसकी जवाबदेही तब नहीं बनती थी जब 100 से ज्यादा मौतें हो गई तो मोटिवेटर बाहर आता और कहता कि इस वक्त मैं आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि इस तरह से दुख से निकलिए। कहाँ है वो, क्यों भागा? बिल्कुल, उस समय उन्हें वहाँ उपस्थित होना चाहिए था और सामना करना चाहिए था, समाज का साथ देना चाहिए। इस जगह हम समर्थन नहीं कर रहे, हम समर्थन केवल ये कि जो समाज इतना वहाँ इकट्ठा हुआ उसको रोका जाना चाहिए था। प्रशासन की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी इसके लिए? अगर कोई दूसरा करता है, प्रशासन सख्ती से निपटता है, ऐसी जगह क्यों नहीं निपटता? और दूसरा, जहां स्वयंभू धर्म गुरु की बात आई, इसके लिए हम ये चाहते हैं, इसे बृहद फलक पर आप देखिए, आप लोगों के चैनलों में लोग आते हैं जो हाथ देखने लगते हैं, उन्हें ज्योतिषाचार्य कहा जाता है। कितने पत्रकारों को पता है कि ज्योतिषाचार्य बने MA इन ज्योतिष, ज्योतिष से MA होता है, 16 विश्वविद्यालय हमारे हैं, लेकिन नहीं, हर किसी नए नए आदमी को ज्योतिषाचार्य कह देते। अगर हर किसी को जगत गुरु कह देते, हर किसी को धर्म गुरु कह देते, तो ये प्रचार जो किया जा रहा है ये वास्तव में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न वाजिब है कि आखिर वो कैसे सिस्टम बन जाता है, कैसे तय हो जाता है कि कौन क्या हो गया, ज्योतिषाचार्य हो गए, जगत गुरु हो गए। इनका कहना सही है और आपको लगता है कि भाई अगर आप वृंदावन की धरती से हैं तो मुझे लगता है वहाँ एक नहीं, 1,000 नहीं, 1,00,000 ऐसे होंगे जो खुद को अपने नाम के साथ जोड़ के रखे होंगे और TV पे बैठ जाएंगे तो इंटरव्यू दे देंगे तो उनके 5,00,000 फॉलोअर बन जाएंगे। तो दुकान तो सज गई ना, दुकान तो सज गई ना, और वो भी सजा के बैठ गए। अरे बाबा भोले की शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं क्या? कि ये सोच अगर नहीं हासिल कर पाए, एक मिनट, गिरी जी से और खुद का नाम भोले बाबा रख लिया बाबा। मतलब आप सोचिए कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हमारी सनातन विद्या संस्कृति या फिर सोच में, पद्धति में कहाँ ऐसे छोटे से भी गैप की जगह रह गई जहाँ ऐसे लोग पनप जाते हैं जो हमारे इष्ट के नाम पे खिलवाड़ कर लेते हैं। संतों को राम बनना पड़ेगा, रावण सोने का माँ मैया सीता को सोने का हिरण पर एक लालच आया, राम जी उसको मारने के लिए गए, वो तो धोखा था। वहाँ पर मरीच ने राम का नाम लिया और रावण प्रकट हो गए, सीता जी को ले गए। उसके लिए सीता जी को वापस लाने के लिए राम जी ने युद्ध किया और लंका का विनाश किया। तो ऐसे लोग ये जो अभी हैं जिनका नाम भोले कह रहे हैं, भगवान का नाम है, इनके जैसे लोग धर्म के नाम पर दुकानदारी जमाते हैं। और जब कोई नया व्यवसाय शुरू करता है तो एडवर्टाइजमेंट करता है, पहले एजेंट बनाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है, फिर चारों तरफ को जाता है, पैसा खर्च करते हैं कि इसका माल बहुत बढ़िया है, घटिया माल को अच्छा बताते हैं। तो इसने भी ठीक वैसा ही किया, इसने भी एक नई दुकान धर्म के नाम की जमाई, बताया कि मेरे हाथ में चक्र दिखाई देता है। जो रेपिस्ट है, जो एक मृत्यु को प्राप्त हो गया, जो भगवान शिव के अलावा जो दूसरा कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता, या फिर परमात्मा या उसके बाद डॉक्टर, ये दो चीज़ हैं, या फिर वो संत जो कंदराओं में बैठ कर के तप कर रहे हैं, जिसको भगवान के अलावा भक्त से भी मतलब नहीं है, कथावाचक होते हैं, आज भी हैं ऐसे संत। अभी चले गए डोंगरे जी महाराज, जब कथा करते थे आँख बंद होती थी, अश्रुधारा बहने लगती थी, कोई आकर मंच पर उन्हें प्रणाम नहीं कर सकता था, वो पैसा नहीं छूते थे। अब तो धर्म धंधा प्रारंभ हो गया, साधु संतों को आगे आना पड़ेगा। अगर कोई पुलिस की ड्रेस पहनकर क्राइम करते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, कोई डॉक्टर की ड्रेस पहन करके झोला छाप डॉक्टर को इलाज करते हैं तत्काल उसको सजा होती है। तो ऐसे ही अगर संत के नाम पर अगर कोई व्यक्ति कोट टाई पहन करके और चमत्कार दिखाए, मृत्यु से वापस प्राणों को देने की बात करें और बताएं कि मैं हरि हूँ, तो और अपने दूध से स्नान करके खीर खिलाए, सही मायने की बात तो ये है, राजीव जी पाप का घड़ा भर गया। और भगवान ने उन माताओं को, जितने वहाँ पर मरे हैं लोग, वो क्या लेने गए थे उसके पास? सुख, शांति, वैभव, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे घर से दरिद्रता चली जाए, और कहाँ चले गए? काल के ग्रास में। तो उन सब लोगों का पाप भी उसको लगने वाला है और वो अपने किए की सजा पाएगा। लेकिन यहाँ से मैं
ये जरूर कहूंगी साध्वी शक्ति परिषद और मैं दिल्ली संत महामंडल की उपाध्यक्ष हूं कि हम सब लोगों को संतों को बैठकर इसमें चर्चा मीटिंग करनी चाहिए और जहां कहीं भी इस तरह के लोग मिलें जो धर्म के नाम पर दुकान चलाएं उनके लिए विरोध ज्ञापित करके सरकार को निवेदन करें। संविधान में जैसे हर व्यक्ति का पासपोर्ट बनता है माता पिता का नाम लिखा जाता है, ठीक है, जब हम साधु बनते हैं तो हमारे वहाँ पर अखाड़े का नाम लिखा जाता है, साधु का नाम लिखा जाता है, पता लगता है कि हम साधु हैं। सबको संतों को जागना होगा। मुझे वो दिन अच्छे से याद है, प्रभु राम का मंदिर बना, प्रभु वहाँ विराजमान हुए और मीडिया के की जिम्मेदारी होने के नाते मैं पहले दिन वहाँ दर्शन करने को गया और आपको यकीन करना चाहिए कि उस दिन हम भी धक्के मुक्की के शिकार हुए। ठीक है, प्रभु की आस्था, प्रभु की आस्था, प्रभु की आस्था से हर भक्त जुड़ा है, लेकिन शायद ये टर्म, ये कंडीशन, आप शायद अगर मेरी बात से कुछ आहत हो तो आप उसको सही कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ ये समझे कि भक्त के लिए भी एक परिभाषा होनी, एक लाइन होनी चाहिए, आप इसको ना लांघे। आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है शायद उस भक्त को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आप देखिए कुंभ में सारी व्यवस्था होने के बाद क्या होता है, एक सेकंड, सारी व्यवस्था होने के बाद क्या होता है, रेलवे के ट्रैक पर आ जाते हैं लोग, कौन मरता है, वो श्रद्धालु मर जाते हैं। तो व्यवस्था होने के बाद बावजूद भी तो भक्त पंजाब में अपनी हुआ बड़ा हादसा, रामलीला का मंचन हो रहा था उस समय बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो ये अक्सर देखा जाता है। और मैं तो आपके माध्यम से, न्यूज नेशन के माध्यम से सभी सनातनियों को ये अपील करती हूँ कि जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जो जूते पहनकर मंच पर विराजमान है, टाई कोट पहना हुआ है उन्होंने, आप कम से कम ये समझिए जो अपना भला करने के लिए आपको मोह रहे हैं, आपको वशीकरण कर रहे हैं, उनके चक्कर में फंसना हमारे लिए किसी भी तरह से प्राप्य नहीं है। अगर प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए और शिव हमारे लिए, यहाँ तो कहा गया। मेरा एक प्रश्न इस पे है और मुझे लगता है कि इस पे एक एक छोटा कमेंट मैं सबसे लूंगा। वस्त्र को आपने डिफाइन किया, वस्त्र में तो हमने सफेद में कुर्ते और धोती में तो कुछ और संतों को भी देखा जो अभी भी श्वेतांबर है, जो अभी भी जेल में है, कई आरोप है रेप के भी, तो फिर वस्त्र से कैसे तय हो कि ये संत है? नहीं, आप, मैं तो राजीव जी इस बात को ऑथेंटिकली कह रही हूँ कि जांच का ये विषय है कि क्या वहाँ कोई बड़ा धर्मांतरण का खेल तो नहीं चल रहा था। अभी जिस तरीके से उनकी जाति निकल के सामने आ रही है, जिस तरीके से उन पर आपराधिक मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ये पता चल रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा इंतजार करना होगा। एक छोटा सा कमेंट ले लूँ क्योंकि वक्त कम है। विश्वरूपा जी, ये संत कैसे तय होगा? वस्त्र आपने सबने परिधान को लेकर कहा, लेकिन मैंने तो कहा ना कि हमने देखा वस्त्र परिधान से भी हमने संतों को देखा। देखो, वेशभूषा तो मायने रखती है। अब भगवा का मतलब आप जानते हैं, त्याग और ऊर्जा, तो कहीं ना कहीं ये भीतर को जागृत करता है, इसकी इतनी शक्ति है कि भीतर को जागृत करता है। परंतु आज के परिवेश में, आज के समय में बहुत सारे ढोंगी भी हैं भगवा में। और सबसे बड़ी बात बताऊंगी, अभी हम घूम रहे थे तो मेरी गाड़ी को किसी ने खटखटाया, भी की बात बता रही जब हम आ रहे थे कि भगवा पहना हुआ था कि हमें 10 रुपये दे दीजिए, हमने उन्हें शीशा उतारा कि आपको 100 रुपये देंगे, पहले वस्त्र बदल के आइएगा। हमने उन्हें कहा आपको 100 रुपये देंगे, ये वस्त्र बदल के आइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी कमी है और इसको मिलकर बदलना होगा, क्योंकि हमारे विचार अगर एक जैसे होंगे सभी संतों के, और मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ, संत परिषद है, संत संसद है, तो सभी को मिलकर इसको, इसका ज्ञात लेना होगा, इसको संज्ञान में लेना होगा कि कहीं ना कहीं बदलाव हमारी तरफ से ही होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई यहाँ पे भगवान का मैसेंजर बन जाता है और उसके ऊपर भी कई आरोप लगते हैं, जेल से बाहर भी आता है, फिर से समागम हो जाता है। कई ऐसे होते हैं कि पिता पुत्र दोनों जो है सत्संग करते थे और अभी जेल में है, आरोप बेटे और बाप दोनों के ऊपर रेप का लग जाता है। पता है ना, मानसिक बीमारी, जो मानसिक बीमारी प्रत्येक व्यक्ति को हो जाती है। तो इंसान कैसे समझे, सुनिए कैसे समझे, झूठा नहीं है। शिक्षा और मीडिया का माध्यम, संत जो होता है वो समाज का चेहरा होता है, एक आईना होता है और एक दायित्व होता है। जैसे दीदी ने कहा कि जो दिल्ली का संत परिषद है वो इस पर संज्ञान ले, हमारा अखाड़ा परिषद इस पर संज्ञान ले, काशी विद्युत परिषद इस पर संज्ञान ले, और एक इसको निश्चित नहीं सुनिश्चित करे कि जहाँ जहाँ भी धर्म के नाम पर ऐसा अधर्म हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, सुपर नेचुरल चीजों को बेचा जा रहा है, जहां लोगों की आस्था को दोहा जा रहा है, जहां कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है, वहां पर अखाड़ा परिषद को, संत परिषद को, मतलब मैं फाइनल कंक्लूड करूंगा जी, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं
आप लोगों से कि ये जागरूकता की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे है और आप लोग उठाइए। और इसमें मैं अपने तरफ से ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारा चैनल न्यूज नेशन इस जागरूकता के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए उन मौतों का जिनको गुमराह करके, जिनको बहला के, जिनको फुसला कर, जिनको भटका कर आज उनको कहाँ पर काल की गाल में समा दिया गया है। इसलिए इंसाफ तो चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक निवेदन हमारी तरफ से भी कि आप भी जागरूक होइए और संत गुरु और इसके नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए आपको खुद सचेत और आप सावधान होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए।